नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रियंका और स्वागत आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल उत्तराखंडी पहाड़न में। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे लगातार कल से बारिश हो रही है और बारिश से पहाड़ों का मौसम और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। अभी तो बरसात का पूरा सीजन शुरू हो गया है, 2 महीने यहाँ पे लगातार बारिश होगी। और कल शाम 8 बजे से 1 मिनट भी ऐसा नहीं हुआ कि जब बारिश रुकी हो। और अभी चारों तरफ कोहरा भी लग गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ के इस खूबसूरत से मौसम का व्यू दिखाती हूँ, फिर आगे की ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस महीने का लास्ट संडे है तो आज हमने छुट्टी की हुई है, तो हमने आज सोचा था कि हम कहीं घूमने जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना पहाड़ों में कि आपका जुआग नहीं था, तो हमारा जुआग नहीं था आज, यानी कि आज बारिश हो गई है और हम कहीं जा नहीं सकते हैं। क्योंकि पहाड़ों में जब भी कहीं दूर जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो मौसम थोड़ा सा घर से तो अच्छा होना चाहिए। कि घर से कहते हैं कि जब घर से ही बारिश हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो इसलिए कल रात से ही बारिश थी तो हम कहीं जा नहीं पाए। तो आज हमें पूरा दिन घर पे ही रहना होगा और इस बारिश के मौसम में और पहाड़ों में और कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ खेतों का ही काम कर सकते हैं क्योंकि आजकल खेतों में रुपाई का काम चल रहा है। तो अभी हम थोड़ी देर में खेतों में जा रहे हैं, तो आपको भी ले चलते हैं। कि पंचलाल, आप भी पहले मेरे साथ नाश्ता करिए, फिर हम आप खेतों में ले चलते हैं। हो गया है और दिन में यहाँ पे काफी अच्छी धूप आ चुकी है। आज सुबह ही बारिश बंद हो गई थी और हम लोग खेतों में चले गए थे, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। और अभी हमने दिन का खाना बना लिया है, तो दिन के खाने में हमने सूला बना रखे हैं। हमारे गढ़वाल में अलग अलग तरीके के कफली बनती है, हरा साग जो होता है, तो ये जो कद्दू के पत्ते होते हैं उनसे बनाया गया कफली है, बहुत ही टेस्टी है। और इसके साथ हमने लाल मिर्च भुनी हुई है और प्याज और लहसुन का तड़का लगा रखा है, तो दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी काफी टेस्टी रहता है। और हम लोग, आपको पता ही है कि पहाड़ों में बाहर पे ही खाते हैं ज्यादातर, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और बाहर पे खाना काफी अच्छा लगता है। दोस्तों, अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हमारी चाय भी हो गई है। अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, अभी भी हम खेतों में नहीं जा सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। और आप देख सकते हैं अभी भी हम पसीने से लथपथ हो रखे हैं। तो पहाड़ों में भी इतनी गर्मी हो गई है क्योंकि जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा कट रहे हैं, सड़क बन रही है तो पेड़ कट रहे हैं। तो थोड़ा भी जब भी मौसम साफ हो रहा है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका है। अभी रात की 8 बज रहे हैं और अभी हमारे खाना बनाने की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे राणा जी लगे हुए हैं प्याज टमाटर काटने पे। और ये पहाड़ों के बीच में और पेड़ पौधों के बीच में हमारा घर है, काफी अकेली जगह पे है। आप सबको पता है कि यहाँ पे अगल बगल किसी का भी घर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि रात को इन पहाड़ों के बीच में अगर अकेला घर हो, सुनसान हो, तो कितना अच्छा लगता है। मुझे तो काफ़ी पसंद है अकेला जगह। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पूरा अंधेरा हो रखा है और रात को सिर्फ आपको पेड़ पौधे ही दिखेंगे। और ये सामने दूर दूर के गांव हैं जो कि क्लियर तो नहीं आ रहे हैं। और ये सामने इतनी रात को पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही, अच्छा गोलू की आवाज़ आ रही, ये है गोलू, ये आ रहा है भी नीचे फापन से कुछ सामान लेने गया था। और यहाँ पे आ,
हाय करो, हाय नमस्ते करो, बाय करो, बाय। मैं ब्रश कर रही हूँ, बोलो।